हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो क्योंकि डेफिनेशन कुछ नहीं बताती, लोगों ने बोला और लोगों ने तो बोला, उसके अलावा हमको समझ में आता है इसके फीचर्स से कि कंपनी क्या है। क्योंकि कंपनी क्या है ये कहीं लिखा नहीं है। क्या लिखा है? सिर्फ ये लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो ये डेफिनेशन पूरा अच्छे से नहीं समझाती और इसीलिए हम उसके फीचर्स देखते हैं कि कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे हम जानेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी में क्या होता है? तो बहुत सारे लोग होते हैं। ये जो लोग हैं इन लोगों को हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये कौन है? ये है मेंबर्स। इनको ही कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे हम। इन लोगों ने क्या किया होता है? ये लोग मिलके बनाते हैं एक कंपनी। ये रजिस्टर करने के बाद बनता है। इसी को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, आरओसी, उसके पास। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा रजिस्ट्रार कौन होता है और कैसे क्या प्रोसेस है, हायरार्की कैसी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इस एक्ट का, वो सब थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार एक होता है, उसके पास रजिस्टर्ड होती है ये कंपनी। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है इसको कुछ खास बातें मिल जाती है। इसको मिल जाता है एक परपेचुअल सक्सेशन। और ये बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स ये एक अलग व्यक्ति विशेष बन गई, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पार्टनरशिप में ऐसा होता था क्या? नहीं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली आप पार्टनरशिप फॉर्म बोलते थे। लेकिन यहां पे क्या होता है? यहां पे कंपनी इज सेपरेट एंड मेंबर्स आर सेपरेट। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट एंटिटीज कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। इसी को एक और नाम दिया जाएगा, कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट, आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, इसको मिल जाता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी ये अमर होती है। लोग आएंगे जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये व्यक्ति है, समझो ये व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ये व्यक्ति की डेथ हो गई, तो इसके शेयर्स चले जाएंगे इसके नॉमिनी के पास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। समझो ये व्यक्ति को शेयर होल्डर नहीं बने रखना है, रहना है, ये इसको बेच देता है, सेल कर सकता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। इसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर किए जा सकते हैं इसके शेयर्स। यहां पे ये जो शेयर होल्डर्स है, ये मेंबर्स है, इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? उन लोग लायबल हैं ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। समझो मैं हूं, मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर है, तो मेरे पास अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो गई? 10 रुपए। मेरे पास 10 रुपए के 1000 शेयर है तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी हो गई 10,000 रुपए। इसमें से समझो 4 रुपए पेड अप है, तो 4 रुपए पेड है मीन्स 4,000 रुपए पे कर चुका हूं, अब मेरी लायबिलिटी बची सिर्फ 6 रुपए। मेरे से ये 10 रुपए के ऊपर नहीं मंगाया जाएगा। This is called as limited liability concept. ठीक है, तो मेरे से अब maximum liability कितनी मंगाई जा सकती है? 6,000 रुपए। तो हर एक member की liability रहती है up to the unpaid amount of share capital. जितने उसने shares रखा है उसको multiply कर देंगे with the unpaid amount और उतनी उसकी maximum liability हो सकती है। फिर ये जो members है इनको ही हम बोलते हैं owners of शेयर कैपिटल। ओनर्स ऑफ कंपनी नहीं बोलना, कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी खुद की ओनर है, कंपनी एक व्यक्ति विशेष है और व्यक्तियों के कोई ओनर नहीं होते। आपका कोई ओनर है क्या? तो नहीं, आपके ओनर नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर मम्मी पापा, तो नहीं, ओनर नहीं है। ठीक है, तो कंपनी किसी की जागीर नहीं होती, कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है और व्यक्तियों के कोई ओनर नहीं होते। ठीक है, फिर इसको क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट ये हो गई आर्टिफिशियल पर्सन। और क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन ये खुद से काम नहीं कर सकती, इसीलिए ये क्या करते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स है, जिन लोगों ने कंपनी बनाए थे,
ये लोग इसका संचालन, इसको चलाना, कंपनी से काम करवाना ये दे देते हैं कुछ लोगों के हाथ में, जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द मेंबर्स। इनको हम इंडिविजुअली बोलते हैं डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स हैं, और इनको एक कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कलेक्टिव नाम है डायरेक्टर्स का, इनको जब साथ में आप देखोगे तो इनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये साइन खुद नहीं कर सकती, तो इसके साइन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसके साइन के लिए रहता है कॉमन सील। ये ऑप्शनल है, तो इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो अब आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए उसको साइन करने की अथॉरिटी दी गई है बाय कॉमन सील, और इसको परपेचुअल सक्सेशन भी मिलता है, यानी ये अपने आप में अलग व्यक्ति विशेष हो गई। अब ये क्या कर सकती है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ओन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसके खुद के एसेट्स और लाइबिलिटी हो सकते हैं। अब क्योंकि उसके खुद के एसेट और लाइबिलिटी हो सकते हैं, तो कल चल के अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एसेट खरीदा, हो सकता है उसमें डिस्प्यूट अराइज हो जाए, हो सकता है कि उसने कोई एक जमीन खरीदी कंपनी ने और वो जमीन में और एक जन ओनर है पहले से, तो 3 जन ओनर हो गए, 4 जन ओनर हो गए, दिक्कत आ रही है, तो यहां पे केस फाइल करना है, तो क्या कंपनी केस फाइल कर सकती है? आंसर इज यस, कंपनी कैन स्यू, इट कैन स्यू एंड बी सीड इन इट्स ओन नेम। कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है और कंपनी भी दूसरों के ऊपर केस फाइल कर सकती है। ठीक है, फिर डायरेक्टर्स जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद द डायरेक्टर्स। ओनरशिप किसके पास है? इनके पास। इसी को हम दूसरे नाम में बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग व्यक्तियों के पास है और ओनरशिप अलग व्यक्तियों के पास है। यही सब जो चीजें हैं ना, इनको ही हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वैसे ऐसा ही सिमिलर डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था जब हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा था, वहां पे मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये सब फीचर्स हमको अभी पढ़ना है, देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जैसे ही वो रजिस्टर हो गई इट बिकम सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको इंसान की जैसे पावर्स मिल जाते हैं, बट बीइंग अ आर्टिफिशियल, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, इसीलिए वो हर काम नहीं कर सकता, ऐसे पर्सनल नेचर के काम नहीं कर सकता। आप ये नहीं देखोगे कंपनी की शादी हो रही है देखोगे क्या कभी? नहीं, आपने ये नहीं देखा कंपनी आपके साथ आके क्लास में बैठी है, सीए कर रही है, तो देखे क्या आपने? नहीं, तो ये सब नहीं हो सकता। तो वो पर्सन जरूर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो वो ऐसे पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंपनी कभी डॉक्टर नहीं हो सकती, ऐसा देखे क्या आपकी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी डॉक्टर है होता क्या ऐसा? नहीं। ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटीज एंड एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज डिफरेंट पर्सन ऑल टूगेदर, अलग व्यक्ति विशेष बन गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आएगा। फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स यानी क्या? तो जो लोग शेयर्स लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, ये आगे समझेगा। वैसे इन लोग साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करते हैं, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स जो है ये एक हिसाब से मेंबर्स बन जाएंगे आगे चल के। ठीक है, हल्का सा फर्क है सब्सक्राइबर्स में, मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये इस साल वो भी नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पता लगेगा। ठीक है, बट अभी ये ध्यान रखो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जीवन कुंडली होती है कंपनी की, उसमें सब लिखा होता है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करने के लिए बनाई गई है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब चीजें लिखी होती है। जैसे आपकी कुंडली होती है, आपके कुंडली में लिखा था कि भाई आप बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत पढ़ाई करोगे, तो आप सीए करने आते हैं फिर
आप जाते हैं कुंडली दिखाते हैं, यार मैं पास ही नहीं हो रहा, बाबा को बताते हैं, बाबा बोलता है बच्चा इसमें लिखा है तू पढ़ाई करेगा, पास होएगा ऐसा तो लिखा ही नहीं है। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो खैर पढ़ाई करना अलग चीज होती है, पास होना अलग चीज होती है, खैर छोड़ो। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में सब लिखा होता है, जैसे आपकी कुंडली में लिखा है आप क्या करोगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वैसे ही कंपनी के बारे में लिखा रहता है, कंपनी का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, वेयर इज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, वो क्या करेगी, जैसे उसमें लिखा है कंपनी को बनाया गया है फॉर ट्रेडिंग इन मैंगोज, तो वो आम बेचेगी, या फिर कंपनी को बनाया गया है रियल एस्टेट का बिजनेस करने है तो वो करेगी, तो जो लिखा है वो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ द दोज हु कंपोज इट, यानी मेंबर्स से अलग पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सनैलिटी अलग है, वो एक अलग व्यक्ति विशेष है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, अक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी, मेंबर खुद भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओनली द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन सू फॉर इट्स डेट्स एंड नॉट इट्स मेंबर्स। एक केस हुआ था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का, इसको हम देखते हैं, इससे आपको समझेगा कि कंपनी का सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है ये क्या बोलता है। तो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में क्या हुआ था, एक होते हैं मिस्टर ली, मिस्टर ली जो होते हैं वो बेचारे गरीब किसान होते हैं, इनकी जगह होती है छोटी सी, 10 एकड़ की जमीन होती है बेचारे गरीब किसान की। तो खैर ये जो ली है, ये ली क्या होता है, ये आपने देखा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है डेंसिटी बहुत कम है, लोग बहुत कम रहते हैं और यहाँ पे जगह बहुत है, तो यह ऐसे ही रहता है ली, न्यूजीलैंड में रहता है वो ली, और ली का क्या होता है, ली की होती है एक जमीन, एक फार्म होता है उसका, ये फार्म में वो खेती बाड़ी करता है, कुछ एम्प्लॉयज जरूर होते हैं उसके पास और बाकी वो खुद खेती बाड़ी करता है, और वो एक पायलट भी होता है, तो वो खरीद लेता है एक प्लेन। ये प्लेन क्यों खरीदा उसने, तो ये प्लेन खरीद के वो दवा का छिड़काव करता है, ये 2 सीटर एक प्लेन खरीद लेता है वो, जिससे वो उसमें वो पंप वगैरह लगा देता है पीछे में, और उससे क्या करते हैं, उससे दवाई का छिड़काव करते हैं, मीन्स ये खेत में काम करते टाइम जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह है ये सब जो फेंकना है, तो ये प्लेन चलाता है और ऊपर से पेस्टिसाइड्स वगैरह गिराते जाता है, तो ये भी काम ये खुद करता है। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, वो बना लेता है कंपनी, वो एक कंपनी फॉर्म करता है, ये जो घर रहता है ये हमेशा अपने केस में कंपनी रहेगा। तो वो कंपनी को फॉर्म करता है और अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देता है टू द कंपनी, और बदले में ले लेता है कंपनी से शेयर्स, सब शेयर्स खुद रखता है और एक शेयर दे देता है मिसेस ली को, तो मिस्टर ली और मिसेस ली, तो मिसेस ली को दे देता है और कंपनी का नाम रख देता है ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब जिन लोग को थोड़ा आगे का पता है वो बोलेंगे सर लिमिटेड कंपनी कैसे हो गई, तो वहां के लॉ अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है वहां 2 जनों से ही लिमिटेड कंपनी बनाया जा सके, प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत ना हो सकता है, ठीक है। तो सब शेयर्स खुद रखता है और एक शेयर दे देता है टू मिसेज ली, तो मिसेज ली को एक शेयर दे देता है। इसके बाद वैसे ही काम चल रहा है, इसके एम्प्लॉयज भी होते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी जाती है बाद में एक इंश्योरेंस कंपनी के पास और इसको प्रीमियम देती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है और बोलती है आप हमको इंश्योरेंस कर दो हमारे एम्प्लॉयज का। तो आपको पता है कि एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है, तो यहां पे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा दिया जाता है। अब एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा दिया जाता है, इसके बाद काम चालू हो जाता है, कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है, ये भी एक और डॉक्यूमेंट है, उसमें लिख देती है कि ली इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही विल ऑल्सो बी द चीफ पायलट, वो चीफ पायलट रहेगा और ये जो प्लेन को उड़ाने का काम है वो करेगा, उसके बदले उसको सैलरी दी जाएगी। अब क्या होता है, इंश्योरेंस करा लेते हैं, एक दिन मिस्टर ली ये प्लेन उड़ाते हैं और यहाँ पे दवा का छिड़काव करते रहते हैं और दवा का छिड़काव करते करते खुद छिड़क जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब मिस्टर ली की डेथ हो गई, डेथ हो गई, ये आती है रोते हुए, स्वामी स्वामी क्या हो गया, बेचारा ली तो चला गया, अब ली की जान ले ली गई। अब मिसेस ली क्या सोचती है, मिसेस ली सोचती है भले ये इंसान गया तो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी थी, कौन सी इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉयज वाली,
ये जाती है कंपनी के पास और कंपनी को बोलती है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम करा के दो। ध्यान रखो कंपनी अलग है, तो ये कंपनी के पास जाती है और कंपनी को बोलती है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा के मेरे को दो। कंपनी जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोलती है कि हमारा एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई, हमको क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ये कहां एम्प्लॉय है, ये तो ओनर है, ये तो खुद कंपनी का मालिक है, कंपनी बनाया है तो ये तो कंपनी का ओनर है। तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर देती है कि ये व्यक्ति एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन कोर्ट बोलता है कि बीइंग अ सेपरेट पर्सन कंपनी इज सेपरेट एंड दिस पर्सन इज सेपरेट एंड बीइंग अ सेपरेट पर्सन दिस इज द एम्प्लॉयर एंड ही इज द एम्प्लॉई। तो यहां पे भले हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखो तो ये खुद एम्प्लॉयर है कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का बोलना भी सही है कि ये तो एम्प्लॉयर है क्योंकि बाकी के जो एम्प्लॉयज यहां काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए तो यही एम्प्लॉयर है। लेकिन एज पर लीगल लैंग्वेज अगर आप चले तो ही इज द एम्प्लॉई एंड कंपनी इज द एम्प्लॉयर। और इसीलिए बोला गया कि इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द अमाउंट टू कंपनी और कंपनी फिर इसको मिसेस ली को पैसा ला के देगी। ठीक है, तो ये भी जो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख लिया करो। पॉज करके लिख लिया करो, मैं रुकूंगा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा मैं रुकाऊंगा, आपको देख रहा हूं फिर आप लिख रहे हैं तो आप पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो। ठीक है, इन ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली अ क्वालिफाइड पायलट हेल्ड ऑल बट वन मींस सब शेयर्स एक छोड़ के ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी एंड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी क्या, तो आप जब सीए करते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है तो आप आर्टिकल कहलाते हैं, नहीं उसकी बात नहीं हो रही तो किसकी बात हो रही, आर्टिकल्स यानी एओए, अभी लिख के रखो आगे आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे एमओए, सेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे एओए, सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय द आर्टिकल्स वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द चीफ पायलट, तो डायरेक्टर और चीफ पायलट अपॉइंट किया गया। द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वॉज इंश्योर्ड बाय एन इंश्योरर, ली डाइड वाइल पायलटिंग द कंपनीज एयरक्राफ्ट एंड हिज विडो क्लेम्ड कॉम्पेंसेशन फॉर हिज डेथ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Insurers challenged that the claim on the ground that no compensation was due to Lee, as Lee and Lee Air Farming Limited was one and the same person. Held yani court ne bola. There was a valid contract of service between Lee and the company. Company aur Lee ke beech mein ek job ka contract tha and Lee was therefore an employee. Lee was a separate person from the company and so compensation was due to the widow. The magic of corporate personality enabled Mr. Lee to be the master and servant at the same time. Mrs. Lee's contention was upheld. Upheld है ना, उसको माना गया। ठीक है, तो यही है separate legal entity concept. ये सबसे खास concept है आपके Companies Act का। दूसरा है perpetual succession. इस पे भी आपको सवाल आ सकते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं अपन, इनमें सब पे आपको सवाल आ सकते हैं। अब जो अपन पढ़ रहे हैं इसके ऊपर questions आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाले केस पे भी आ सकता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पे, और परपेचुअल सक्सेशन पे भी आ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, कंपनी अमर है, अमरत्व को प्राप्त हो जाती है। जैसे ही कंपनी बन गई तो कंपनी बिकम्स अ सेपरेट पर्सन एंड इट बिकम्स आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसको किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। कल चल के अगर ये मेंबर्स मर जाते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डायरेक्टर मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब मेंबर्स और सब डायरेक्टर्स भी मर जाते हैं तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी जो है वो चलते रहती है, तो इसको ही हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी को कोई फीलिंग नहीं होती, गया तो गया। फीलिंग तो समोसे में होती है, समोसा फीलिंग आलू नहीं 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 ठीक है आगे बढ़ते। तो हाँ, तो इसीलिए तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भी मर गए, ये भी मर गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आएगा कि चार लोग थे, चार दोस्त, उन्होंने एक कंपनी बनाया, वो चार लोग मेंबर थे और वो चार लोग ही डायरेक्टर भी थे, इसके अलावा कंपनी में और कोई नहीं था।
एक दिन वो चार लोग कहीं तो भी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई से गोवा जा रहे थे गोवा जा रहे थे। अब क्या होता है, बीच में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और चारों के चारों वहीं पे ऑन द स्पॉट गचक गए, गचक जाना इन्हें, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे सवाल ये आएगा कि क्या कंपनी बची या मरी, बची या मरी। तो कंपनी बची है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब कंपनी चलेगी कैसे, तो इनके शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, और फिर इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, ऐसा ही और क्वेश्चन आ सकता है। ये तो छोटा कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर्स थे और उसके मेंबर्स थे, ये सब लोग मिले थे एक जनरल मीटिंग में। एक जनरल मीटिंग होती है जहां पे सब लोग आते हैं, तो उसमें सब मेंबर्स आए थे, 100% कोरम था वहां पे, सब डायरेक्टर्स आए थे, और वहां पे बॉम्ब विस्फोट हो गया और सब लोग वहां पे फना हो गए, सबकी डेथ हो गई, नेस्त नाबूद हो गए। तो क्या कंपनी बची है, आंसर है यस, कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। बिल्डिंग खत्म हो गई, कंपनी का जहां रजिस्टर ऑफिस था खत्म हो गया, क्या कंपनी बची है, यस कंपनी बची है। बिल्डिंग गई, लोग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जीवित है, कंपनी फिर से बिल्डिंग बनाएगी, फिर से पैसा लाएगी, फिर से काम करेगी, तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा है, तो इस पे ऐसा सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखो। तो परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी हैज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड इट कैन बी वाउंड अप ओनली एज पर लॉ। कंपनी बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी एक्सेट्रा ऑफ एनी और ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। पार्टनरशिप फर्म को फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म को क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है वगैरह हो जाता है तो डिजोल्व हो जाती है फर्म, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, द शेयर्स हेल्ड बाय हिम शैल बी ट्रांसमिटेड टू हिज नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाय, द कंपनी सर्वाइव। सबकी भी डेथ हो गई तो भी कंपनी जीवित रहेगी। दस मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, उनकी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की कंपनी होती है वैसे, जैसे अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, बट अपन जनरली अनलिमिटेड कंपनी देखते नहीं, प्रैक्टिकली आप लाइफ में कभी अनलिमिटेड कंपनी नहीं देखोगे। लिमिटेड बाय शेयर्स देखोगे, 95% कंपनीज विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स, कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। ये क्या होता है, ये आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। वी नो द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। Thus, in the case of limited liability company, the liability of members of the company is limited to the extent of nominal value, nominal यानी face value of the shares held by them. In no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of the shares. In case of company limited by guarantee, guarantee में क्या होता है, समझो मैं हूं, तीन जन है, मैं हूं, कैटरीना है, दीपिका है, हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाया, कंपनी हमने बनाई लिमिटेड बाय गारंटी, हमने बोल दिया जब कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं 10,000 रुपये लेके आऊंगा, ये 10,000 रुपये लेके आएगी और ये 10,000 रुपये लेके आएगी, तो इसको हम बोलते हैं गारंटी देना। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी रहेगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम। ठीक है, एंड दैट टू जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब खत्म होगी तभी लाना पड़ता है। ठीक है, ये डिटेल में देखेंगे तो इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आएगा, और जब मैं बोलता हूँ आएगा तो आएगा। हाँ, फिर हाउ एवर इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड है अगर, तो लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज वेल, ये भी अपन देखेंगे। फिर अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है मीन्स ये एक पर्सन तो है लेकिन मैन मेड है, इंसानों का बनाया गया, नेचुरल नहीं है। आपने कभी देखा क्या, कहीं कंपनी पैदा हुई, गए क्या आप कभी कंपनी के बर्थडे पे, अरे कंपनी पैदा हुई चलो मिल के आते हैं, तो नहीं तो कंपनी पैदा नहीं होती, कंपनी बनाई जाती है। तो अ कंपनी इज अ लीगल और जुडिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। कभी पैदा होते नहीं देखोगे आप उसको। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विथ ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल। जेल नहीं जा सकते, देखे आपने कभी कंपनी जेल जा रही, तो नहीं, कंपनी जेल जाते हुए नहीं दिखेंगे आपको। टेक एन ओथ,
कसम नहीं खा सकती कंपनी, कभी देखे आपने कंपनी बोल रही मैं कसम खा के बोलती हूँ तो नहीं। मैरी देखे कभी कंपनी की शादी, गए हो कभी? चलो कंपनी, अरे वो शर्मा जी के कंपनी की शादी थी, चलो तो ऐसा देखे आपने कभी? तो नहीं देखे आपने। फिर प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, कभी आपने देखे? गुप्ता जी की कंपनी डॉक्टर है तो ऐसा होता क्या? नहीं। Hence, it is a legal person in its own sense. Legal person है, लेकिन personal nature की चीजें नहीं करेगी वो। As the company is an artificial person, it can act only through some human agency. इंसानों के through काम कर सकती है, that is directors. Directors can control the affairs of the company and act as its agents, but they are not the agents of the members of the company. Partnership में क्या होता है कि partners are the agents of the फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स। यहां ऐसा नहीं है, डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ कंपनी बट नॉट ऑफ द अदर मेंबर्स। ठीक है, द डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट। यानी वो लोग साइन कर सकते हैं, ये पावर रहता है कंपनी के बिहाफ पे। द कंपनी इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है। मैंने अगर कंपनी बनाया और कंपनी के नाम से कोई जगह खरीदा, कोई जमीन खरीदा, तो कंपनी की जमीन है, मेरी नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है दैट इज द कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स एज वेल। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, उसमें जो मेंबर्स है वो लोग पैसा नहीं मांग सकते। कल चल के रिलायंस का मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर हूँ, तो मैं क्या वहां जाके उनकी कार यूज करूंगा? मैं बोलूंगा मुकेश अंबानी को, मुकेश भाई अरे आज मैं आपकी कार लेके जाता हूँ, कंपनी की कार है ना, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, वो मेरी नहीं है, आई कैनॉट यूज इट। ठीक है, तो वही है, द कंपनी बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंकिंग अकाउंट्स, रेज लोन्स, इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी। A company is capable of owing, enjoying, disposing of, यानी selling its own of property in its own name. Although the capital and assets are contributed by shareholder, पैसा shareholder ने लगाया, but company becomes the owner of its capital and asset. Ownership आ गई company की. Shareholders को क्या मिलेगा? उनको सिर्फ dividend मिले, that is sufficient. ठीक है? The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. Member does not even have an insurable interest in the property of company. Insurable interest भी नहीं होता, means insurance नहीं करा सकते। Insurance कौन कराता है? Owner कराता है। तो company की property company की है, मेरी नहीं है, तो मैं insurance नहीं करा सकता। यहाँ पे एक केस हुआ था मकोड़े का, मकोड़ा रहता है कीड़े मकोड़े तो नहीं, मकोड़ा नाम है उसका। तो leading case on this point is of मकोड़ा versus Northern Assurance Company Limited. इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक मकोड़ा नाम है उसका तो ये जो M होता है, M क्या करता है, M बनाता है एक कंपनी और कंपनी को पूरा अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देता है। बिजनेस ट्रांसफर करता है तो साथ में जो स्टॉक है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। स्टॉक किस चीज का होता है, तो वुडन लॉब्स होते हैं, टिम्बर का स्टॉक होता है। कंपनी इसको पैसा दे देती है, अब क्या करता है, मकोड़ा जाता है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोलता है कि मेरे को ये जो टिम्बर है, ये टिम्बर का इंश्योरेंस करा के दो मेरे नाम से। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करा लेती है, एम के नाम से इंश्योरेंस कराया गया कि अगर इस टिम्बर को कुछ हो जाएगा तो एम को पैसा मिलेगा। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर तो करा लेती है, बाद में एम देखता है एक दिन कंपनी के गोडाउन में जाता है और देखता है कि आग लग चुकी है, आग लग गई है और ये जो कंपनी का टिम्बर था ये पूरा जल चुका है। अब क्योंकि कंपनी का टिम्बर जल गया, एम जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोलता है देखो मैंने इंश्योरेंस कराया था, मेरे को पैसा दे दो, इसका जो लॉस हुआ है उसका पैसा दे दो। अब यहां इंश्योरेंस कंपनी मना करती है, वो बोलती है तुम कौन, तुम ओनर थे क्या इस टिम्बर के? वो बोले नहीं, कौन था, कंपनी थी, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती हम पैसा नहीं देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वॉइड था। यहां पे
इसने ध्यान रखना चाहिए था जब इसने इंश्योरेंस कराया, इसने ये कराना था कि कंपनी का टिम्बर है, अगर कुछ लॉस होता है तो कंपनी को पैसा मिलेगा। अगर वैसा कराते तो इट वुड हैव बीन वैलिड, बट यहां पे इसने खुद के नाम से इंश्योरेंस कराया ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, तो ये वैलिड नहीं है, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, और यहां पे एम का कोई क्लेम नहीं बनता, एम का लॉस हो गया। ठीक है, एम का एज वेल एज कंपनी का, कंपनी का ओनरशिप है तो कंपनी ने इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ठीक है, बट यहां एम ने इंश्योरेंस कराया, तो दैट इज दैट आर द दोज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। आगे बढ़ते, तो ये वही दिया है, एम वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द शेयर्स ऑफ द टिम्बर कंपनी, ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर भी था खुद, यानी वो गुड्स बेचता था। एम इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम, बस यही पॉइंट में गलती किया उसने, इन हिज ओन नेम। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, एम क्लेम्ड इंश्योरेंस कंपेंसेशन हेल्ड, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू हिम, एज नो शेयर होल्डर has any right to any item of property owned by the company for any, because he has no legal or equitable interest in them. Fir common seal, company being an artificial person cannot sign the document as natural person, aur isliye uski common seal hoti hai, which is used as a signature. In legal terms it is official signature of company. Amendment kiya gaya 2015 mein jisne isko optional kar diya. ये एक मेटल सील होती है, ये रबर स्टैंप नहीं होता, एक मेटल सील होती है, उसको स्टेपलर टाइप रहता है, उसको जाके ऐसा प्रेस कर दो तो मेटल सील वहां पे सील बन जाती है, तो इट इज अ मेटल सील जिसमें नेम ऑफ द कंपनी इज एनग्रेव्ड। अगर सील नहीं है तो क्या होगा, तो फिर टेबल एफ के हिसाब से ऑथेंटिकेशन होगा। टेबल एफ यानी क्या है, आर्टिकल्स का फॉर्मेट है, तो टेबल एफ आर्टिकल्स का फॉर्मेट ये बताता है कि ऑथोराइजेशन अगर सील नहीं है तो इट शुड बी बाय टू डायरेक्टर्स, या अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो इसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर ये वही बताया कि ये ऑप्शनल कर दिया है, और अब इवन ये पुराने जमाने में काम आता था, आजकल कोई काम की नहीं होती कॉमन सेल और कोई यूज नहीं करता, और ये इसीलिए बदलना पड़ा क्योंकि जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया इसमें इन्होंने कंपलसरी रखा था, लेकिन कंपलसरी रखा तो कंपनीज का बहुत सारे कंपनीज बनाने ही बंद कर दिए लोगों ने, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हटाए गए, और उसमें से एक था कि ये सील को ऑप्शनल करना, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था कंपनीज एक्ट 2013, और इसीलिए 2015 में अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया कि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनाओ कॉमन सील, नहीं तो मत बनाओ, जबरदस्ती काय को कॉमन सील बनाना, ये जबरदस्ती के प्रोसेस को हटाया गया बहुत सारे। ठीक है, तो ये इवन इन यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006, ऐसा है, एक बार ये पढ़ लेना आप। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्रॉम मैनेजमेंट, ये भी मैंने बताया, ओनरशिप किसके पास है, ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल आर द मेंबर्स एंड मैनेजमेंट इज विद द डायरेक्टर्स। कैन सू एंड बी सूड, वो केस फाइल कर सकती है, उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, उसके शेयर ऑलवेज ट्रांसफरेबल रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबल भी रेस्ट्रिक्टेड अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स में लिखा होता है कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे, क्या कंपनी सिटीजन है, क्या कंपनी नागरिक है, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट बोलता है नागरिक होने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। कंपनी की नेशनलिटी होती है, हम बोलेंगे इंडियन कंपनी, लेकिन नागरिकता नहीं होती, सिटीजन नहीं होती हो। ठीक है, तो वही है, कंपनी हैज नेशनलिटी डोमिसाइल, डोमिसाइल यानी रेसिडेंस, एक ही बात है, डोमिसाइल रेसिडेंस, बट इट इज नॉट अ सिटीजन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सेट टू हैव द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्रेसली कन्फर्ड अपॉन सिटीजंस ओनली। बाकी जनरल राइट्स जो सबको मिलते हैं, सिटीजन हो या ना हो, तो वो वाले राइट्स उनको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ इक्वेलिटी। फिर क्या कंपनी प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो नहीं, ये फिर से बताया गया, इज द कंपनी प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, आंसर है नहीं, कंपनी किसी की जागीर नहीं होती, कंपनी खुद की ओनर है, कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी की प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑल द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ कंपनी इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी विच इज कंट्रोल्ड मैनेज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंपनी इन इट्स ओन नेम। Thus, the company is the owner of its assets and capital. Moreover, the company being a separate legal person, it cannot be constituted as property of shareholder. क्योंकि separate person है वो. The decision of Supreme Court
in National Textile Workers Union versus P.R. Ramakrishnan has set at rest that at the debate which was going on this issue. So, पहले इस पे झगड़ा होता था, अब कोई झगड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें ये खत्म हो गया कि कंपनी किसी की जागीर नहीं होती. According to the verdict decision given in the case, a company, according to the new socio-economic thinking, is a social institution having duties and responsibilities towards the community in which it functions. Maximization of social welfare should be the legitimate goal of the company, and shareholders should be regarded not as proprietors of the company but merely as suppliers of capital entitled to no more than reasonable return. So, unko sirf supplier of capital manenge, they are not owners. And the company should be responsible not only to shareholder. Company ki zimmedari ye nahi hai sirf profit kamaye, maximize kare aur sirf shareholder ko profit kama ke de. Uski zimmedari sabke prati hai, employees ke prati, sellers, buyers, jo bhi suppliers honge, jo bhi unse trade kar rahe hain, public, to sabke prati unki zimmedari rehti hai. But also to workers, consumers, other members of community in a public, and should be guided by consideration of national economy and progress. इसके बाद की जो कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, ये अपन आगे की कक्षा में देखेंगे. चलिए, थैंक यू.